Hello students, now we start a new chapter matrices. Present time के अंदर हम देखें अलग अलग मैथमेटिक्स की फील्ड में इसका यूज़ होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, चीज़ को एनालाइज करने के लिए. हमारे कोर्स के अंदर जो है मैट्रिसेस का बेसिकली यूज़ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है. उस पर बेस हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, उस पर बेस प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे सारी प्रॉपर्टीज. हमारे कोर्स में जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो टू वेरिएबल और थ्री वेरिएबल तक हमारे कोर्स में है, तो हम वही डिस्कस करेंगे, उससे हम आगे नहीं जाएंगे. ठीक है, नाउ स्टार्ट. डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस. मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर और रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर. नंबर हमारे रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, और फंक्शन इन अ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन कॉल्ड रो एंड कॉलम. क्लियर? मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, कैपिटल ए, 2, 3, 4, 5, -7, 8, √2, 3, 8, √5, 6. क्या कहा था हमने? रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे हो सकते हैं, फंक्शन भी हमारा हो सकता है. ये नंबर्स हैं एंड कॉम्प्लेक्स नंबर भी इन्वॉल्व है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इनको अरेंज करना है किसमें? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन में. दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज फर्स्ट हॉरिजॉन्टल, सेकंड हॉरिजॉन्टल, एंड इट इज थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन. देन वी से दिस रो 1 इज रो 2 रो 3. वर्टिकली देखते हैं, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 3, एंड दिस इज कॉलम 4. कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, एंड दिस इज कॉलम 4. मतलब क्या हुआ? इसमें कितने रोज हैं? 3. कितने कॉलम हैं? 4. क्या लिखेंगे? 3/4. दिस ऑर्डर, दीज आर एलिमेंट्स, 1, 2, 3, 4, -7, 8, √2, 3, 8, √5, -6. एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स. नोट है, ईच रो और ईच कॉलम हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स. फर्स्ट रो के अंदर हमारे 4 एलिमेंट हैं, तो सेकेंड रो में भी, थर्ड रो में भी 4 ही एलिमेंट आएंगे. फर्स्ट कॉलम में 3 एलिमेंट हैं, तो सेकंड कॉलम में भी 3 एलिमेंट होंगे, थर्ड कॉलम में भी 3 एलिमेंट होंगे, फोर्थ कॉलम में भी 3 एलिमेंट होंगे. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे कोई एलिमेंट ना हो. अगर ऐसा होता है देन वी से इट इज नॉट अ मैट्रिक्स. कैसे? देखिए, फर्स्ट रो के अंदर 4 एलिमेंट, सेकंड रो में 4 एलिमेंट, बट थर्ड रो में सिर्फ 3 एलिमेंट है, फोर्थ एलिमेंट है ही नहीं, इज नॉट मैट्रिक्स. कॉलम वाइज देख लेते हैं, फर्स्ट कॉलम में 3, सेकंड कॉलम में 3, थर्ड कॉलम में 3, बट फोर्थ कॉलम में सिर्फ 2 एलिमेंट है, देन इट इज नॉट मैट्रिक्स. क्लियर? इसको जनरली किस तरह से लिखते हैं वो हम समझते हैं. कैपिटल ए, A11, A12, A13, up to A1n, A21, A22, A23, up to A2n, AM1, AM2, up to AMN. जनरली हम इस फॉर्म में लिखेंगे इसको. देन ऑर्डर, नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसके? देखिए, 1 row, 2 row, up to mth row, m. रोज हो गई. वर्टिकली देखते हैं कॉलम कितने हैं. कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, अप टू कॉलम n. कॉलम n. दैट मीन ये रो को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज कॉलम. नाउ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया? m बाई n. नंबर ऑफ एलिमेंट कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? एम एन. मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे एग्जिस्ट कर जाएंगे. ओके, एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज ये एक मैट्रिक्स है हमारी, 2, 3, 5, 1, 0, -1, 3, √2, 7, 8, 11, 4. हाउ मेनी रोज? 1, 2, 3.
हाउ मैनी कॉलम, फोर। ओके अब देखिए फर्स्टली देखते हैं ऑर्डर क्या है इसका, थ्री बाई फोर, तीन रोज हैं चार कॉलम। सेकंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, फोर थ्री इज 12, मल्टीप्लाई कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब मैट्रिक्स से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, कैसे? सपोज हमसे कहा गया कि फाइंड द एलिमेंट ऑफ ए 3, 1, मतलब क्या हुआ, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना है हमारा यहाँ पर 7। सिमिलरली हमसे कहा गया ए 2, 4, सेकेंड रो का फोर्थ एलिमेंट, सेकेंड रो का फोर्थ एलिमेंट इज √2, 1, 3, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट विच इज 5। ओके एनी प्रॉब्लम? एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में अक्सर कि किसी मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट देती है, तो ये बताना है कि इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। सपोज अ मैट्रिक्स हैव 12 एलिमेंट, इन 12 एलिमेंट से हम कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स बना सकते हैं या कितने पॉसिबल ऑर्डर हमारे हो सकते हैं? देखिए बहुत सिंपल तरीका है, 12 एलिमेंट का मतलब क्या होता है, हमको मालूम है कि अगर ऑर्डर m बाई n है तो नंबर ऑफ mn हो गए, मीन अगर 3 बाई 4 अगर हमारे पास ऑर्डर है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 12 हो गए, मीन 12 को फैक्टराइज करना है। क्लियर? अब देखिए 1 × 12 फर्स्ट ऑर्डर तो ये हो गया, सेकंड 12 × 1, नेक्स्ट 2 × 6, मल्टीप्लिकेशन 12 आना चाहिए, 6 × 12, 3 × 4, 12, 4 × 3। सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज अ मैट्रिक्स हैव 11 एलिमेंट्स, कितने पॉसिबल मैट्रिक्स हम बना सकते हैं, 11 एलिमेंट्स है तो ऑर्डर लिख लेते हैं भाई 1 × 11 और 11 × 1, बस ये दो ऑर्डर की मैट्रिसेस हम जनरेट कर सकते हैं। ओके नाउ वी डिस्कस, सर एग्जाम में जो है ना 1 मार्क्स में क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है कंस्ट्रक्ट का मैट्रिक्स, तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे मैट्रिक्स को, एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाई 3 हुज एलिमेंट्स आर ए बेस आई जे इक्वल टू आई प्लस जे बाई 2। तो मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करनी है, ऑर्डर क्या दिया हुआ है 2 बाई 3, दैट मीन 2 रो 3 कॉलम। ओके सबसे पहले हम एक अज्यूम कर लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, there were 2 rows and 3 columns. Okay, now A1 लेते हैं, I कितना है हमारा 1, J कितना है हमारा 1, 1 + 1/2 which is equal to 1, फिर A12 फाइंड करते हैं 1 + 2/2 which is equal to 3/2, A13 1 + 3/2 which is equal to 2, A21 2 + 1/3 which is equal to 3/2, A22 2 + 2/2 which is equal to 2, A23 2 + 3/2, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन दी हुई है हमारी इसके अकॉर्डिंग। देयरफॉर अब इन ये एलिमेंट्स आपको फाइंड हो गए, तो मैट्रिक्स रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या हो गई आपकी 1 3/2 2 3/2 2 and 5/2, दिस इज मैट्रिक्स रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ओके इस बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए एज असाइनमेंट आपको करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स।